प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट में जिला परिषद और बीडीसी सदस्यों की निधि में वृद्धि न होने पर यह वर्ग बिखर गया है। जिला पार्षदों ने आंदोलन व सामूहिक इस्तीफे देने की चेतावनी भी दी है। जिला परिषद कांगड़ा की अध्यक्ष मधु गुप्ता, उपाध्यक्ष विशाल चंब्याल सहित अन्य पार्षदों ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने सरकार से मांग की है कि 18 फरवरी तक बजट में जिला पार्षदों व बीडीसी सदस्यों की निधि में सम्मानजनक बढ़ोतरी की जाए, नहीं तो जिला पार्षद और बीडीसी सदस्य सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ देंगे। उनका कहना है कि यदि फिर भी बात नहीं बनी तो जिला कांगड़ा के सभी जिला पार्षद और बीडीसी सदस्य सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। मधु गुप्ता एवं विशाल चंब्याल ने कहा कि जिला परिषद कांगड़ा के सदस्यों ने कई बार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को इस बारे में पत्र भी लिखे हैं और कई दफा खुद मिलकर भी अपनी मांग रखी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने उन्हें इस बारे में सकारात्मक कदम उठाने का आश्वासन दिया था, लेकिन बजट में कोई सकारात्मक नहीं होने से जिला पार्षदों को मायूसी ही हाथ लगी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस बजट में भी पूरे प्रदेश में जिला पार्षदों व बीडीसी सदस्यों के लिए 45 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। ऐसे में एक पंचायत के विकास कार्यों के लिए जिला पार्षदों के पास करीब 80,000 रुपए आते हैं। इस राशि से पूरी पंचायत में एक विकास कार्य भी पूरा नहीं किया जा सकता, तो अन्य लोगों को क्या जवाब दिया जाए। उन्होंने कहा कि यदि सरकार 18 फरवरी तक कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाती है तो पहले भूख हड़ताल शुरू की जाएगी, फिर भी बात नहीं बनी तो कांगड़ा जिला के पार्षदों और पीडीसी सदस्यों की बैठक बुलाकर सामूहिक इस्तीफा देने पर आम सहमति बनाकर सामूहिक इस्तीफा दिया जाएगा। उसका मेन मकसद तो यही है, जो बजट है, जो जिला परिषद का बजट, जो थ्री टायर सिस्टम था, जो सरकार ने बंद कर दिया है, सेंटर सरकार ने बंद कर दिया है, और हमें हिमाचल की जो सरकार है उससे बहुत सी उम्मीदें थी, क्योंकि उसके लिए हमने समय समय पे जो है, जो हमारे माननीय जो सीएम साहब हैं श्री जयराम सर, उनसे हमारी मुलाकात हुई, हम सभी जिला परिषद मेंबर बार बार उनसे मिले और हमने डिमांड रखी कि हमें जो है हमारा बजट जो बढ़ा के दिया जाए। लेकिन बहुत निराशा हुई हमें जब चार दिन पहले जो उन्होंने बजट पेश किया उसमें जिला परिषद का जो फंड है वो वैसे का वैसा ही उन्होंने रखा। हम बड़े मायूस हैं, ये तो हमने पिछले कल रखनी थी लेकिन संडे की वजह से आज रखी है यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो हम सब ने ये डिसाइड किया है, हमारे जितने भी जिला परिषद मेंबर हैं, मेरे साथ चेयरमैन मैडम हैं और हमारे सारे मेंबर्स हैं, कि हम सामूहिक तौर पर जो है वो इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि अगर हमें ये फंड इन्होंने जिस तरह से जो बंद किया है हमारा, जो उन्होंने बहुत कम दिया है, तो इससे जो है वो हम अपने इलाका में नहीं जा सकते। हमारे लोग जो है जो हमसे डिमांड करते हैं वो हम उनको पूरी नहीं कर सकते, तो इससे अच्छा है कि हम जो है सामूहिक तौर पर इस्तीफा दे दें। और हमारी बात, मेरी बात पूरे हिमाचल के जो हमारे चेयरमैन हैं उनसे भी हो रही है, उनसे हमारी बात हुई है, और पूरे हिमाचल के जो है जितने भी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन हैं वो अपने अपने जिला परिषद के साथ मिलकर जो है सामूहिक इस्तीफा देने के लिए तैयार बैठे हुए। कितने दिन का अल्टीमेटम जो है आपने दिया? एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है इसका हम फैसला लेंगे। और अगर सरकार नहीं मांग नहीं मांगती है तो आपका क्लियर है कि आप अस्तित्व? बिल्कुल, सरकार नहीं मांगती है तो इसका हम अस्तित्व। आपके साथ समिति मेंबर भी होंगे या सिर्फ जिला समिति मेंबर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और जितने भी मेंबर हैं वो सारे इसके साथ, क्योंकि सबके साथ जो हमारा जो शोषण हो रहा है, मैं तो समझता हूँ ये सरकार जो है बहुत बुरी तरह से जिला परिषद और वाइस चेयरमैन का शोषण कर रही है, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी जो है पब्लिक के द्वारा चुने गए हैं, जैसे MLA और बाकी मंत्री वगैरह चुने जाते हैं, तो मैं नहीं समझता कि ऐसा सरकार को करना चाहिए था। इन्होंने बहुत बड़ा धोखा जो है इन्होंने किया, और इन्होंने बार बार हमें ये बोला कि हम आपके बारे में सोच रहे हैं, हम आपके लिए कुछ करेंगे। मुझे लगा था एक यंग CM है तो शायद ये कुछ अच्छा करेंगे, हमें बहुत उम्मीद थी, बट इन्होंने बहुत बुरी तरह से जो है हमें निराश किया है। तो हम बहुत गुस्से में हैं, सारे बहुत नाराज हैं, हम इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। थैंक यू, धन्यवाद।